देश भर से कोरोना और उससे मरने वालों की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश के मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक विवादित बयान सामने आया है। मंत्री जी ने कहा कि उम्र हो जाती है तो मरना ही पड़ता है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेकाबू हो उठे हैं। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौत हो रही है। लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे तो शमशान और कब्रिस्तान की भी अंत्येष्टि के लिए जगह कम पड़ रही है। लोगों को कोरोना से जान गंवाने वाले अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यह स्थिति की भयावहता को बयान करता है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मंत्री प्रेम सिंह पटेल का कोरोना से होने वाली मौतों पर अजीब बयान आया है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के बारे में पूछे जाने पर मध्य प्रदेश के मंत्री कहते सुने जा रहे हैं कि मौत हुई है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोरोना से बचने के लिए सब लोग सहयोग की बात कर रहे हैं, विधानसभा में हम सबसे चर्चा कर रहे हैं, मास्क पहने, दूरी बनाकर रखें, डॉक्टर को दिखाएं, हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है और आप कह रहे हैं रोजाना बहुत लोग मर रहे हैं, तो लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। आपको बता दें कि उनका यह बयान 14 अप्रैल का है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि राज्य में कई जगह अस्पतालों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल के अस्पतालों में जहां रोजाना 90 ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, वहीं इन अस्पतालों में रोजाना 30 ऑक्सीजन सिलेंडर ही पहुंच रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें ऑक्सीजन व बिस्तरों की कमी की शिकायतें लोगों ने की हैं। लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें अस्पतालों में मरीज को भर्ती कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती किया जाता है उनमें भी परिजनों से यह लिख कर लिया जाता है कि अगर कोई अनहोनी हुई तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। कोरोना से लोगों की जान जा रही है और मध्य प्रदेश के मंत्री प्रेम सिंह पटेल कह रहे हैं जिनकी उम्र हो जाती है उन्हें मरना ही पड़ता है। मरने की उम्र क्या है मंत्री जी? 22 साल, 28 साल या 32 साल? कम उम्र के लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है कि उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।